शिवहर जिला के तरियानी प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय और यहाँ जून 2014 से ही हाई स्कूल घोषित कर दिया गया, लेकिन अभी तक इस विद्यालय में हाई स्कूल के एक भी शिक्षक नहीं हैं, जिस कारण नवंबर के 143 बच्चों का पढ़ाई कोर्स के अनुसार नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग को कोर्स के अनुसार पढ़ाई हो जाता है? नहीं, नहीं होता है। तो आप लोग क्या करते हैं? क्या जाते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा सा हंगामा करता है और वैसे जाते हैं और चले आते हैं। पढ़ाई होवे नहीं करता है तो वहाँ पर रह के क्या करेंगे? क्यों जा रहा है वो तेज से जब कहीं जाने? सबसे अधिक समस्या बच्चों के ठहराव की है और एक समस्या यहाँ है कि अभी तक उत्क्रमण के बाद शिक्षकों की बहाली माध्यमिक स्तर पर नहीं की गई। तो इसका क्लास कैसे ले पाते हैं आप लोग? हम लोग जो पढ़िया हैं दो तीन मिलकर के क्लास संचालन करते हैं अपने बलबूते पर। कब इसको घोषित किया गया है? इसको 2014 जून में। तब भी से अभी तक एक भी टीचर नहीं है सर? कोई भी शिक्षक यहाँ नहीं है। शिक्षा विभाग के लोग या सरकारी लोग इनके लोगों के भविष्य के पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग एकदम मजदूर है, किसान की बेटियां हैं, तो वैसे बहुत ऐसा बामतारी है कि माँ बाप है कि बच्चों को कोचिंग कराना नहीं सकते हैं और स्कूल में ही पढ़ाई होता है और स्कूल में पढ़ाई होगा तब तो हम लोग आगे के विकास करेंगे और स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है तो आगे के विकास क्या करेंगे? इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं अपील करती हूँ कि तरियानी प्रखंड के बीओ अरविंद कुमार जी का मोबाइल नंबर 99 34 80 79 07 पर कॉल कर दबाव बनाएं और उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय औरा में नवम एवं दसम वर्ग के शिक्षकों लाने में हमारा मदद करें। मैं रीता, औरा, जिला शिवहर, बिहार से, इंडिया अनहर्ट के लिए।